दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान को बीट कर किया शर्मसार, तो खुशी से झूम उठा पूरा हिंदुस्तान। और अब केवल करोड़ों फैंस क्या, कई बड़े बड़े दिग्गज गौतम गंभीर से लेकर वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह से लेकर खुद सचिन तेंदुलकर तक ने अब पाकिस्तान की हार पर उनका जमकर मजाक उड़ाते हुए जो कहा उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। तो आखिर कैसे सहवाग ने पाकिस्तान को धो डाला, कैसे गंभीर की बातें पाकिस्तान को अब तीर की तरह चुभने वाली हैं, ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने, उन सब के बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इंडिया पाकिस्तान और अमेरिका में कौन नंबर वन टीम है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जिस पाकिस्तान को अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था, अमेरिका के मैदान पर पहले ही मुकाबले में पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही अमेरिका ने उन्हें किसी लायक नहीं छोड़ा। जी हाँ, न्यूयॉर्क के मैदान पर पाकिस्तान की टीम अमेरिका की घातक गेंदबाजी के आगे 20 ओवर में केवल 159 रन 7 विकेट खोकर बना पाई। तो इसका पीछा करते हुए अमेरिका ने तो कमाल ही कर दिया। कप्तान मोनार्क पटेल के साथ मिलकर उनके साथी बल्लेबाजों ने मैच को ऐसा फंसाया कि अमेरिका को जीतने के लिए एक के बाद एक 5 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर मौजूद थे नितेश कुमार, हर किसी को नितेश कुमार से काफी उम्मीदें थी। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी अपना फिंगर क्रॉस करके बैठे हुए थे, अमेरिका की जीत की दुआ कर रहे थे। जैसे ही अंतिम ओवर की अंतिम गेंद हैरिस ऑफ ने नितेश कुमार को फेंका, तो नितेश ने चालाकी दिखाते हुए कवर के ऊपर से बेहतरीन शॉट लगाते हुए चौका जड़ दिया और मुकाबले को बराबरी पर खत्म कर दिया। अमेरिका ने हारे हुए मैच को बराबरी पर ला दिया और नितेश का ये चौका देखकर पूरा स्टेडियम झूम उठा था। इसके बाद दोनों टीमों के बीच सुपर ओवर मुकाबला खेला गया और इस सुपर ओवर में अमेरिका ने बड़े ही आसानी से पाकिस्तान को धूल चटाकर अपनी इस वर्ल्ड कप की लगातार दूसरी जीत अपने नाम कर ली। वहीं पाकिस्तान के घमंड को चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान की ये हार देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग हो गया था। वहीं भारत के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी तो टीम की हार पर मजाक उड़ाने लगे और कह दिया कुछ ऐसा कि पूरे क्रिकेट जगत में उथल पुथल मच गई। यहां तक कि पाकिस्तान की हार की वजह भी बता दी। तो चलिए हम आपको इन सभी दिग्गजों के बयान को सुनाते हैं। तो सबसे पहले क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान की हार पर बयान देते हुए कहा कि सबसे पहले तो मैं अमेरिका को इस जीत की ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने सच में इतिहास लिखा है। सच कहूँ तो हमने अब तक इतिहास में पाकिस्तान की ऐसी हार नहीं देखी थी। पाकिस्तान एक काफी मजबूत टीम है, अगर अमेरिका से हार जाना काफी शर्मनाक है। अमेरिका एक नई टीम है, यानी कि युवा खिलाड़ी भरे हुए हैं, बेहद कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान हार गई। इससे शर्मनाक हार और क्या हो सकता है। पाकिस्तान टीम को अपने परफॉर्मेंस पर सुधार करना चाहिए, वरना ऐसे खेलते रहे तो कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे, सपना का सपना ही रह जाएगा। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने भी पाकिस्तान की हार पर कहा कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका जैसी कमजोर टीम से कैसे हार गई। ये बड़ी हार है। सुपर ओवर में पाकिस्तान खिलाड़ी रन चेज नहीं कर पाए। यहाँ तक कि मेरा मानना है कि पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा वजह गेंदबाज है। बहुत रन लुटाया उन्होंने, लेकिन वहीं अमेरिका के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाया, अपनी टीम को जीत दिलाई, सभी खिलाड़ियों ने योगदान दिया। युवा टीम का ये लाजवाब प्रदर्शन देखकर काफी अच्छा लगा। तो वहीं गौतम गंभीर ने तो पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कह दिया कि वाह पाकिस्तान, आपसे इतनी ही उम्मीद थी, अमेरिका जैसी कमजोर टीम से हार गए, इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। यही होता है जब आप खुद को दुनिया के नंबर वन टीम मान लेते हैं, लेकिन बड़ी पिक्चर पर ध्यान नहीं दिया जाता। अमेरिका ने उनका घमंड चकनाचूर कर दिया। मैं उन्हें ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। मैं ये मुकाबला कभी नहीं भूल सकता। अब तक वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन मैच है जो अमेरिका ने जीता है। सुपर ओवर में शानदार प्रदर्शन दिखाया, वेल डन। यही नहीं, भारत के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हे भगवान, बाबर ने तो पाकिस्तान की लुटिया डुबो दी। पहले धीमी शुरुआत दिलाई और फिर सुपर ओवर में मैच गंवाया। अमेरिका जैसी टीम से हार जाना काफी शर्मनाक बात है, क्योंकि अमेरिका भी नई टीम है, पहली बार वर्ल्ड कप में आई है। अगर उसके बावजूद सुपर ओवर में पाकिस्तान को हरा दिया तो ये मुकाबला देखकर मैं पूरी तरीके से हैरान था, लेकिन अमेरिका ने अच्छा खेल दिखाया। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से पाकिस्तान की हार पर भारतीय दिग्गज खुशी से झूम उठे। लेकिन आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही नई नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।